हम्पी के डे वन और डे टू की वीडियो डिटेल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह एक ऑप्टिमाइज्ड आइटिनररी है आपके लिए। हम्पी के तीसरे और आखिरी दिन की शुरुआत करेंगे तुंगभद्रा डैम से और एंड करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट पॉइंट पर। कुछ ऐसी जगह जाएंगे जहां आपको कोई यूट्यूबर नहीं ले गया होगा। इसके बारे में हमें भी नहीं पता था, हम वहां कैसे पहुंचे यह भी बताऊंगा। आज हम कर्नाटका के कुछ हिडन जेम्स के बारे में जानेंगे भी और देखेंगे भी। मेरे इस वीडियो का तभी मजा आएगा जब आप मेरे साथ टाइम ट्रैवल करेंगे। तैयार हो जाइए मेरे साथ टाइम ट्रैवल करने के लिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूँ राकेश जैन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तुंगभद्रा डैम, तो चलिए ये है तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम की एंट्री टिकट है 10 रुपये। ऐसी मिनी बस जिसका चार्जेस प्रति व्यक्ति 20 रुपये है आपको डैम के व्यू पॉइंट तक लेके जाती है। 20 से 25 मिनट बस के लिए इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि यह फुल होने पर ही यहां से जाती है। यह यहां का गेस्ट हाउस है, शायद यह आम पब्लिक के लिए नहीं है। तो अभी हम व्यू पॉइंट जा रहे हैं तुंगभद्रा डैम के। इस टावर पर लिखा है पंपा दर्शन। तो ये तुंगभद्रा नदी का व्यू है। यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह डैम बिना सीमेंट के बनाया गया है। भारत में सिर्फ ऐसे दो डैम हैं, एक यहां पर और दूसरा केरल में मुल्ला पेरियार बांध। यह बांध मिट्टी और चूने के मिश्रण से बनाया गया है। यह नई जानकारी थी मेरे लिए कि चूने और मिट्टी से भी डैम बन सकता है। विंडमिल्स भी है इधर। सानापुर लेक। अब हम जा रहे हैं एक लॉन्ग ड्राइव यहां से सानापुर झील। सानापुर झील की सड़क धान और केले के बगानों से होकर गुजरती है। हम इस हरे भरे खेत का मजा ले रहे हैं और यह भाई साहब अपनी नींद का। चाहे कुछ भी हो, सफर का मजा ले लो। झील के चारों ओर का माहौल कुछ अलग ही था। कोराकल राइड यहाँ पे जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, 500 रुपये फॉर हाफ अ किलोमीटर डिस्टेंस और पर पर्सन, और 1000 रुपीज़ फॉर 1 किलोमीटर डिस्टेंस। आप कुछ पल शहर की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ जरूर आनंद ले सकते हैं। अंजनाद्री हिल्स। अब हम जा रहे हैं आंजनेय स्वामी मंदिर जो कि एक पहाड़ पर है। यह मंदिर अंजनाद्री पहाड़ पर है जो कि आनेगुंदी गांव के पास है। कहते हैं यह जगह भगवान हनुमान की जन्मभूमि है। मंदिर तक हमें करीब 575 स्टेप्स चढ़ाई करनी पड़ती है। यह कभी किष्किंधा क्षेत्र का एक हिस्सा था जिसका जिक्र रामायण में भी मिलता है। जैसे जैसे आप चढ़ते हैं खूबसूरती उतनी ही बढ़ती जाती है। यहां से व्यू चट्टानों के बीच बहती तुंगभद्रा नदी। यह सुंदर दृश्य आपकी सारी थकान छू मंतर कर देगा। यह है मंदिर, काफी श्रद्धालु यहां आते हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं रहेगा। हमारे यह भाई साहब थक गए थे तो बीच बीच में थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता था। आसपास के चट्टानों पर आप जाना ना भूलना। यहां से नेचर के कुछ स्टनिंग व्यूज आपको देखने मिलेंगे। पंपा सरोवर। हमारे ऑटो वाले भैया श्रीनिवास ने हमें पंपा सरोवर लेकर आ गए। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। ये 1100 साल पुराना मंदिर है और श्री जयलक्ष्मी का मंदिर है, पंपा सरोवर के पास है। चट्टानी पहाड़ियों के बीच यह जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यहीं पर एक बहुत पुराना मंदिर है। हम्पी कितना फैला हुआ था यह भी सोच रहा हूँ। ऊपर शबरी गुफा है, चलिए देखते हैं। यह है शबरी गुफा। इसके आगे तो रास्ता बंद था,
लेकिन यहाँ से खूबसूरती तो देखने लायक है इस जगह की। दुर्गा टेम्पल। ऑटो वाले भैया श्रीनिवास ने हमें नेक्स्ट एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित दुर्गा मंदिर लेकर आ गए। इसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था, हम तो बस आ गए कुदरत के इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए। इन विशाल चट्टानों को देख हैरानी जरूर होती है, ऐसा लगता है कि सारी हम्पी इन बड़े बड़े बोल्डर्स नुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बस थोड़ी सी दूर पर ही है मंदिर। मैं अभी दुर्गा देवी टेम्पल में हूँ। और अचानक बारिश भी शुरू हो गई। गगन महल। बारिश थमने के बाद हम निकल पड़े गगन महल की तरफ घूमने का कीड़ा जो था। ये गगन महल है और अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। यह गगन महल 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह महल हम्पी के पास आनेगुंडी नामक गांव में स्थित है। यह महल अपने अतीत की एक छाया मात्र रह गया है, लेकिन पुरानी दुनिया का आकर्षण अब भी बरकरार है। महल में सुंदर सजी हुई बालकनियां और प्रोट्रूडिंग विंडोज बड़ी सुंदर है। कहते हैं कभी राजाओं और रानियों का निवास स्थान रहा है गगन महल, लेकिन हैरानी इस बात की कि यह महल मुझे बहुत ही छोटा लगा। बस इतना सी है ये। अंदर अलाउड नहीं था तो इसलिए कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ इसके बारे में। गगन महल के पास ही था यह रथ। रास्ते में जो कुछ अच्छा लगा बस रुक गए देखने के लिए छोटे बच्चे की तरह। माल्यवंता रघुनाथ मंदिर। अब हम जा रहे हैं माल्यवंता हिल्स या रघुनाथ स्वामी मंदिर की तरफ। टूरिस्ट सर्किट से थोड़ा अलग होने की वजह से काफी लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं। मंदिर के एंट्रेंस के सामने ही पत्थर की इतनी बड़ी चट्टान है। मंदिर चारों तरफ से बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है। एक बड़ा ही मजेस्टिक लुक जरूर है इस मंदिर का बाहर से। एक विचार कॉन्स्टेंटली दिमाग में आ रहा था, यह इतना विशाल और सुंदर आज है तो उन दिनों यह कितना सुंदर होता होगा। बड़ी बारीकी से कारीगरी की गई है दीवारों पर। दीवारें इतनी ऊंची मानो जैसे किले की हो। यहाँ का दृश्य और माहौल बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर मातंगा हिल या हेमकुटा हिल की तुलना में टूरिस्ट की भीड़ थोड़ी कम मिलेगी। चलिए मंदिर परिसर के अंदर चलते हैं। मंदिर परिसर में भी छोटे बड़े काफी मंदिर है। मुख्य मंदिर जिसे माल्यवंता रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है भगवान राम को समर्पित है। यहीं पर भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने मानसून के खत्म होने का इंतजार किया था लंका पर चढ़ाई के पहले। मंदिर तो अंदर से और भी शानदार है। खंडर आज जरूर है पर उस गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। आपको यह जगह जरूर पसंद आएगी। यह राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति एक ही पत्थर को तराश कर उकेरा गया है। मंदिर के चारों तरफ जब परिक्रमा करते हैं तब पता चलता है कि मंदिर बड़े चट्टानों के बीच बनाया गया है। भगवान को यहाँ झूला झुलाया जा रहा था और हमने भी इसका सौभाग्य प्राप्त किया। अगर आप सनसेट एंजॉय करते हैं तो इस माल्यवंता हिल्स पर आना मत भूलिएगा प्लीज। मंदिर के पीछे ही है सनसेट पॉइंट। मंदिर के पास ही शिवलिंग की एक श्रृंखला है। बड़ी हैरान करने वाली चीज थी यहाँ। आप यहाँ जरूर आइएगा, यहाँ से व्यू वाकई में जोरदार है। यह देखिए उस ब्यूटीफुल सनसेट का एक टाइम लैप्स वीडियो। बजट, एक अप्रोक्सीमेट बजट दे रहा हूं। दिस बजट इज फॉर 4 पीपल।